दोस्तों, आप लोगों ने इतिहास के अंदर शेरशाह सूरी का नाम तो अक्सर ही सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने उनके पिता का नाम सुना है? तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर आ गए हैं बिहार के सासाराम में, और यहाँ पर आज हम दिखाने वाले हैं हसन खां सूरी, यानी कि जाने माने दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी के पिता के मकबरे को। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो ये पूरा मकबरा बना हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा भव्य और बड़ा यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है। ट्रिपल स्टोरी में आप इस मकबरे को आइडेंटिफाई कर सकते हो। निचला जो इसका हिस्सा है वो ऑक्टागनल अष्टकोणीय है, और अष्टकोणीय होने के साथ में तीन एक साइड पे दरवाजे, यानी कि इसकी जो आर्च है वो आपको दिखाई देगी। इसके जो मिडल आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर काफ़ी सारी नीचे वाले हिस्से में छतरियाँ भी दिख रही हैं, और ऊपर वाले हिस्से में यदि आप देखते हैं तो आपको ऑक्टागनल फोम का उसका बेस और छोटी छोटी छतरियाँ दिखाई देंगी, और बीच में दिखाई देगा सबसे बड़ा यहाँ का डोम। और उस डोम के अंदर कुछ खासियत है जो हम यहाँ से भी देख पा रहे हैं। नीचे की तरफ लोटस फ्लावर बनाया गया है, बीच की तरफ एक जो शंकु की शेप है वो बनी हुई है, जिससे कि इस पूरे डोम का जो नज़ारा है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बन जाता है। तो दोस्तों, इस मकबरे के पास वाले स्थान को भी हम यहीं से थोड़ा सा देख लेते हैं। जो स्थानीय निवासी हैं वो अक्सर यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, इस पार्क का इस्तेमाल करते हैं, और ये मकबरा 16वीं शताब्दी के मध्यस्थ भाग में बनना शुरू हो गया था। अब हम यदि थोड़े इतिहास की बात कर लेते हैं, तो हसन खां सूरी अपने पिता इब्राहिम अली खां सूरी के साथ में अफ़गानिस्तान से पंजाब के क्षेत्र में आए थे, और उन्हें वहाँ की जो जागीरदार थी वो दे दी गई थी। लेकिन उसके बाद में वो जौनपुर में आए, और जौनपुर में आने के बाद में बिहार के सासाराम में उन्होंने अपना पूरा परिवार बसाया और वो रहने लगे। जो इब्राहिम खां सूरी थे वो तो चले गए नारनौल में, और जो हसन खां सूरी है वो बिहार के सासाराम में ही रहे, और उनको यहाँ का जमींदार जागीरदार बना दिया गया। क्योंकि उस समय दिल्ली के ऊपर इब्राहिम लोदी का और उससे जो पहले उनके पिता थे सिकंदर लोदी का शासनकाल का वक्त था ये वाला, और इसी वक्त के अंदर उनको बिहार के सासाराम की ये वाली जो जागीरदार है वो सौंप दी गई थी। इसीलिए हसन खां सूरी इसी क्षेत्र में रहते थे। तो उनके मरणोपरांत, उनकी मृत्यु हुई थी 1520 के समय में, तो उनकी मृत्यु के बाद में यहाँ पर उनकी एक छोटी सी कब्र हुआ करती थी, और किसको पता था कि सूरी राजवंश का एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे दिल्ली पे सत्ता काबिज करने वाला था, जिसका बचपन का नाम था फरीद खां, जो बाद में जाके शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो शेरशाह सूरी ने तकरीबन 1530 के बाद में अपनी जो ताकत है, अपनी जो चतुराई है, बुद्धिमता है, उसको बढ़ाना शुरू किया, और ये जो पूरा क्षेत्र है आपका जो आज आपको दिखाई दे रहा है, ये तकरीबन 1528 के बाद में जो दक्षिण बिहार के एक जाने माने शासक थे जिनका नाम था बहार खां लोहानी, उनकी विधवा दूदू बेगम के साथ शादी करके जो दक्षिण बिहार वाला हिस्सा है उसको अपने अधीन ले लिया, वहाँ के प्रधान बन गए, तब जाकर सासाराम का जो हिस्सा है वो शेरशाह सूरी के पास में आ गया था, और इसी के साथ में उनके पास में ताकत भी आ गई थी, पैसा भी आ गया था। तो उन्होंने सबसे पहले अपने पिता का जो मकबरा है इसको बनवाना शुरू करवाया।